Breaking news. Something exclusive. बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, इससे पहले इतना क्रिएटिव सेशन हमने कभी नहीं किया। मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे मैं पूरी रात सोई नहीं थी, हाँ पूरी रात, मतलब पिछले 48 आवर्स में मेरे सिर्फ 3 घंटे की नींद हुई है, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को नींद ही नहीं आई। मतलब मैं इतनी हंसती, मेरे को नींद ही नहीं आई। मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा होगा, मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं सो जाऊँगी कि नहीं। बहुत मज़ा आया और मतलब काफ़ी अच्छा था। वो जो क्या कहते हैं, वो जो बड़ी सी पाइप में जो हवा भरने का कंसेप्ट इन्होंने बताया, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब किसी के को क्लिक नहीं हुआ होगा कि ऐसा भी किया जा सकता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। लैब में करोगे थ्योरी, मतलब बताया उन्होंने थ्योरी करने से कुछ होना नहीं है, लैब में अगर जाके बनाओगे कुछ तभी एक्चुअल थ्योरी समझ में आएगी उससे। नहीं, हमें लगा नॉर्मल कोई वर्कशॉप होगी जैसे एवरेज होती है कुछ, मतलब ये बनवाएंगे ये लगा नहीं, बोर कर रहे होंगे पर आए तो फिर कोई भी लेक्चर होगा ऐसा लगा, अलग लेवल पे लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दें, पर प्रैक्टिकल पार्ट मेजर होना चाहिए। हाँ, और ऐसे ग्रुप वर्क होना चाहिए ताकि ऐसे कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क भी हम सीख सकें। वर्कशॉप ने मेरे लिए एक माइंड ओपनर का काम किया बिल्कुल। और मतलब सिर्फ ज़्यादातर जनरली हम लोग मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, पर रियलाइज़ किया है कि डीप में भी चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और मतलब ऐसा काम आगे जाके कुछ कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं मासेस को अफेक्ट करे और सबको इंस्पायर करे चीज़ों को सच में रियलाइज़ करने के लिए, कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ मगअप करके एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने के लिए। वर्कशॉप होने वाली, पर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा, मतलब सर जैसे क्वेश्चन पूछे थे तो मुझे लगा कि हम लोग बस केवल मगअप करते हैं चीज़ों को, कभी भी बेसिक नहीं समझा। जैसे डेंसिटी वॉल्यूम वाला हुआ था, तो कभी भी उस तरह से हम लोग ने सोचा ही नहीं। तो अब मतलब कैसा लगा कि हम ऐसी भी चीज़ों को सोच सकते हैं कि हमें क्या की जगह क्यों पे ध्यान देना चाहिए, कि क्यों ये सब हो रहा है। तो ये सब मैंने ऐसे सीखा। और लोग फ्रॉग वगैरह बनाया, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, काफ़ी अच्छा लगा वर्कशॉप।
पहली बार हो रहा है ना सब कुछ आईआईटी कानपुर में। इससे पहले तो मतलब छोटी मोटी चीज़ें हुई थी, ये पहला सा इवेंट है जिसमें कुछ करना को मिला। होने चाहिए इनफैक्ट, एटलीस्ट आईआईटी में तो होना ही चाहिए। और एक नया ये वाला, हम लोग जब भी कुछ होता है बढ़िया होता है, हम लोग पहले तालियां बजाते थे या शोर मचाते थे, अब एक नया आइडिया मिल गया कि जब भी अगर सीटी मचाए। One, two.